जनपद में जिला प्रशासन सभी तहसीलों में संविदा कर्मचारी व मजिस्ट्रेट की मदद से विद्युत आपूर्ति बहाल करवा रही है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में विद्युत कर्मचारी 72 घंटे के हड़ताल पर हैं, जिसके वजह से कोई विद्युत कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा है, जिसको देखते जिला प्रशासन तहसील के कर्मचारी व विद्युत के संविदा कर्मचारी जो कि हड़ताल पर नहीं गए हैं विद्युत आपूर्ति बहाल करवा रहे हैं, जिसके लिए हर तहसीलों में मजिस्ट्रेट को नामित किया गया है जो कि अपने तहसील में विद्युत आपूर्ति देख रहे हैं। उन्होंने कहा, शहर में अधिकतर जगहों पर विद्युत आपूर्ति ठीक से चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समस्या है जिसको ठीक किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, जिला प्रशासन की तरफ से सभी केंद्रों के लिए मजिस्ट्रेट नामित किए जा चुके हैं, देहात क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सभी जगहों पर। और इसके अलावा तहसील की राजस्व विभाग की टीमें भी हर जगह लगाई गई हैं, रोस्टर वार्ड राउंड क्लॉक ड्यूटी। इस सभी संविदा कर्मी जो बिजली विभाग के हैं वो हड़ताल पर नहीं गए हुए हैं जैसा कि हमें सूचना है, तो उनके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति बहाल हो। जहाँ जहाँ समस्या आ रही वहाँ पर राजस्व कर्मचारी, मजिस्ट्रेट हमारे और संविदा कर्मचारियों के साथ मिलकर आपूर्ति बहाल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में काफ़ी हद तक विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है, देहात में कुछ जगहों पर समस्याएं हैं, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिस्टोर कर लें। कितनी टीमें लगाई है इसके लिए, टीमें इसमें सभी तहसीलों के सभी SDM लोग लगे हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में हमारे 8 मजिस्ट्रेट अलग से लगे हुए हैं, बाकी सभी जितने उपकेंद्र हैं उन सभी उपकेंद्रों पर हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं।